भाई फाइनली आपको नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एज ए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि भाई बैटिंग ऑर्ड्स उनके तरफ फेवर कर रहे हैं। देन भाई आज के मंडे नाइट रॉ में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के कंटेंडर मैच को जीत लिया। एंड देन भाई वो नंबर वन कंटेंडर बन चुके हैं। एंड देन भाई क्वालिफाई कर चुके हैं वो WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए मैच के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का सबसे पहले मैच होता है डेमियन प्रीस्ट शिंसुके नाकामुरा एंड सेथ रॉलिंस का। एंड देन भाई ये ट्रिपल थ्रेट मैच था और इस मैच में जो भी बंदा जीतता वो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करता फर्स्ट राउंड मैच में। एंड देन भाई वो सेकंड राउंड के जो भी विनर रहते हैं उनको फेस करता। एंड देन भाई इस मैच में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आराम से जीत जाते हैं और भाई जो दूसरा राउंड होने वाला था उसमें कोडी रोड्स फिन बैलर एंड द मीज बचे हुए थे। एंड देन भाई उस मैच में ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स जीत जाएंगे, लेकिन भाई कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर ने स्क्वैश कर दिया एंड उस मैच को जीतते हैं फिन बैलर बिकॉज ऑफ ब्रॉक लेसनर हेल्प। और भाई उसके बाद से फिन बैलर एंड सेथ रॉलिंस का मैच होता है मेन इवेंट में। एंड देन भाई ये मैच बहुत ही गजब का था और भाई कुछ बैटिंग ऑर्ड्स का ऐसा कहना भी था कि सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर ही आपके एक WWE के रॉक से जा सकते हैं जो भी सुपरस्टार होने वाले हैं। और भाई बैटिंग ऑर्ड्स कहीं ना कहीं सही हो रही थी, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस फिन बैलर को स्टॉम्प लगा के जीत जाते हैं इस मैच को और भाई वो क्वालिफाई कर गए हैं। एंड देन भाई स्मैकडाउन से अब जो भी सुपरस्टार क्वालिफाई करेगा वो नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस को फेस करेगा, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ही आपके चैंपियन बनने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में, ये बैटिंग ऑर्ड्स का कहना है। एंड देन भाई बैटिंग ऑर्ड्स सेथ रॉलिंस की तरफ फेवर कर रही है। तो भाई WWE का भी प्लान कुछ ऐसा ही है कि सेथ रॉलिंस ही फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे एट नाइट ऑफ चैंपियंस। तो भाई आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताइए, कौन सा सुपरस्टार जीतना चाहिए, सेथ रॉलिंस या फिर WWE के द इनफोर्सर सोलो सिकोवा, क्योंकि भाई सोलो सिकोवा तो इस मैच से पूरी तरह से गायब है। तो ऐसे में भाई सोलो सिकोवा इस मैच के पार्ट नहीं होने वाले, तो भाई सेथ रॉलिंस के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और भाई स्मैकडाउन में चैंपियनशिप जाने वाली नहीं है। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और भाई ऐसी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।